नागपुर हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। आशा, लक्ष्य और आकांक्षा के उच्च स्तर को ऊंचा करके नए साल का स्वागत करना महाराष्ट्र की पुरानी परंपरा है। इस नेक इरादे से की गई यह परंपरा हमारी नई पीढ़ी को पता चले, इस परंपरा का बीज उनमें निहित हो और इस परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाए, इसके लिए श्री सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट की ओर से हिंदू नववर्ष स्वागत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट झिल्पी और लक्ष्मी नगर बाजार सुरेंद्र नगर में विभिन्न संगठन इस समारोह में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जानी मानी अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी और गिरिजा ओके गोडबोले विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। देश में हो रही घटनाओं के कारण अब समय आ गया है कि हम अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें। कश्मीर फाइल मूवी, हमारे क्षेत्र में हो रहे लव जिहाद के मामले, भूमि जिहाद के नए शुरू हुए मामले, दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड, आज चिंतन करने का समय है। इसलिए अपने स्व को खोजने और जगाने के लिए 22 मार्च बुधवार को 51 फीट ऊंचा गुड़ी खड़ी करने और पिछले साल की तरह लक्ष्मीनगर चौक पर सामूहिक हनुमान चालीसा, सामूहिक राम रक्षा और सामूहिक आरती आयोजन किया गया है। साथ ही तात्या टोपे गणेश मंदिर से लक्ष्मीनगर चौक तक शोभा यात्रा निकालने का भी निर्णय लिया गया है। इनमें प्रभु श्री राम की पालकी, कलशधारी महिलाएं, भजन मंडली, छत्तीसगढ़ नृत्य, लेजिम मंडली, धूम, स्केटिंग, बच्चों की वेशभूषा, अखाड़ा, शिव कल्याणी प्रदर्शन, ढोल ताशा मंडली, बाहुबली हनुमान शामिल है। नववर्ष, भारतीय नववर्ष अथवा मराठी नववर्ष ज्याला म्हणतात असा गुढीपाडवा पर्वा 22 तारखेला आहे। त्यानिमित्त अनेक जण विविध प्रकारे कार्यक्रम करत असतात, नववर्षाचं स्वागत करत असतात। लक्ष्मीनगर परिसरामध्ये मागच्या वर्षीपासून श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट त्याचप्रमाणे त्या परिसरातल्या अनेक संस्था यांनी एकत्रितपणे येऊन सकाळी 6 वाजता गणपती मंदिर, गणेश मंदिर, तात्या टोपे नगर या ठिकाणून लक्ष्मीनगर चौकापर्यंत शोभायात्रा काढण्याचं ठरवलेलं आहे। मागील वर्षी देखील फार मोठा प्रतिसाद याला मिळालेला होता। यावर्षी देखील यामध्ये माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्याचप्रमाणे मराठी सिनेतारका मृणाल कुलकर्णी, गिरिजा ओक या दोघी सहभागी होणार आहे। साऊथ इंडियामध्ये आजकाल एक 9 फुटाचा हनुमान हा प्रसिद्ध आहे, ते हनुमानजी देखील यामध्ये समाविष्ट होणार आहेत। त्याच पद्धतीने या शहरामधले 2 मोठे आखाडे, केशवनगर शाळेचं लेझिम पथक, स्केटिंगमध्ये रामायणातील पात्रात तील मुले, इतर सर्व अशा पद्धतीचं रूप या शोभायात्रेचं राहणार आहे। अंदाजे 5 ते 7 हजार नागरिक यामध्ये सहभागी राहतील अशी अपेक्षा आहे। शोभायात्रा लक्ष्मीनगर चौकात समापन होईल आणि 7:30 वाजता त्या ठिकाणी सामूहिक रामरक्षा पठण, त्याचप्रमाणे हनुमान चालीसा पठण होऊन सामूहिक आरती त्या ठिकाणी झाल्यानंतर गुढीचं उभारणी होईल, गुढीचं पूजन होईल आणि त्यानंतर कार्यक्रम संपणार आहे। मी आपल्यामार्फत समस्त नागरिकांना विनंती करतो की या शोभायात्रेचं स्वागत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात करावं, या शोभायात्रेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावं। ही नागपूरची मोठी शोभायात्रा आहे आणि नवीन वर्षाचं आपण सर्वांनी मिळून स्वागत करावं। धन्यवाद। NBC न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।